महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई चर्चा में हैं। लॉरेंस वैसे तो गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, लेकिन उसके इशारे पर गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कई मामलों में लॉरेंस विश्नोई पर शिकंजा कस रही है। पिछले दिनों NIA की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टारगेट के बारे में खुलासा किया था। इनमें पहले नंबर पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम था। लॉरेंस विश्नोई ने NIA के सामने कबूल किया था कि सलमान खान को वो मारना चाहता है। इसके पीछे वजह भी बताई थी। लॉरेंस का कहना है कि काले हिरण के शिकार मामले से वो सलमान से नाराज हैं। लॉरेंस ने NIA समेत तमाम एजेंसियों के सामने जो कहा वो भी किया। सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी करवाई और 3री बार घर पर फायरिंग करवाई। लॉरेंस विश्नोई के मुताबिक साल 1998 में सलमान खान ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को विश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि वह सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को सलमान खान के घर रेकी के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन संपत को हरियाणा STF ने अरेस्ट कर लिया था। महाराष्ट्र के कुछ गैंगस्टर्स ने विश्नोई के सामने खुलासा किया था कि वो सलमान खान को धमकी भरा लेटर भेजने वाले हैं और सलमान को धमकी भरा लेटर भेजा गया। लॉरेंस के टारगेट पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगुनप्रीत भी है। शगुन ने लॉरेंस विश्नोई के करीबी विक्की मुदिखेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। मिद्दू खेड़ा की मोहाली में हत्या हुई थी। छात्र राजनीति के समय से लॉरेंस गैंग विकी मिद्दू खेड़ा को अपना भाई समान मानते थे। उनकी साल 2021 में हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर मनदीप धालीवाल को लॉरेंस ने हिट लिस्ट में 3रे नंबर पर रखा है। धालीवाल को बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पटियाल का बेहद करीबी माना जाता है। लॉरेंस विश्नोई ने NIA को बताया था कि वो मनदीप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसने भी विक्की मिथु खेड़ा के कातिलों को शेल्टर देने में मदद की थी। इसने अपने गैंग का नाम ठग लाइफ रखा हुआ है। मनदीप लकी पटियाल का धंधा मैनेज करता था। बता दें टारगेट नंबर 4 है कि कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की जेल में बंद हैं। ये लॉरेंस विश्नोई और उसके गैंग का जानी दुश्मन है। विश्नोई इसे हर हाल में मारना चाहता है। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक कौशल चौधरी ने भी सिर्फ विक्की मिधुखेड़ा के कातिलों भोलू शूटर अनिल लठ और सन्नी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाए थे। कौशल चौधरी बेहद कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। लॉरेंस विश्नोई का 5वां टारगेट है अमित डागर। अमित डागर बम्बीहा गैंग का हेड है। ये लॉरेंस विश्नोई का विरोधी गैंग है। विक्की की हत्या की प्लानिंग इसी ने की थी। लॉरेंस ने NIA को बताया है कि लकी पटियाल मेरा दुश्मन गैंग है। लकी के कहने पर ही मेरे करीबी और गोल्डी भाई के गुरलाल बराड़ का कत्ल किया गया था। बम्बीहा गैंग ने ही विक्की मिधुखेड़ा के शूटर्स और रेकी करने वालों को छिपने में मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।